नौगांव के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को आज काफी गुस्से में देखा गया। दरअसल जिले के गामोठा गांव में मुख्यमंत्री के दौरे को ध्यान में रखते हुए लोगों के वाहनों को प्रशासन की ओर से सड़क किनारे ही रोक दिया गया था। जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने यह नजारा देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उपायुक्त से जवाब तलब किया कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए आमजनों की गाड़ी रोक कर उन्हें असुविधा में डाला गया। उनका गुस्सा यहीं नहीं थमा, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी को फटकार लगाते हुए रोके गए वाहनों को आगे बढ़ने का निर्देश दिया। उन्होंने उपायुक्त को चेताया कि जनता को असुविधा में डालने वाला कोई भी काम न किया जाए। एसपी को बुलाओ। अरे डीसी साहब, ये क्या नाटक है? क्यों कोई राजा महाराजा आ रहा है क्या? बट ऐसा मत कर आगे, रुको, क्या कष्ट हो रहा है? पूरा गाड़ी जाने रहा। तो नगांव के दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा। गामोठा गांव में उनका कार्यक्रम था और इसी दौरान जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रशासन ने, जो वहां की प्रशासन है, उन्होंने सभी गाड़ियों को रोक दिया है। जनता की जो गाड़ियां थी, जो वाहन थे, उन्हें सड़क किनारे रोक दिया गया था। ऐसे में मुख्यमंत्री का गुस्सा फूट पड़ा। जिला उपायुक्त तो वहां मौजूद थे, उनको फटकार लगाई उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या कोई राजा महाराजा आ रहा है जिस वजह से इस तरह गाड़ियों को रोका गया है, लोगों को असुविधा में डाला गया है। মুখ্যমন্ত্রী আহিব বুলি রাস্তাটো বহুত দেরিপা বন্ধ করে রাখিছে, ফলত মানুহৰ ক্ষতি হৈছে। হেবিলাক মই তাকে অফিসারকলক কৈছো যে বেছিকৈ ব্যতিব্যস্ত কৰিব নালাগে, মিনিমাম কৰি থৈ দিব লাগে। বেছি কৰিলে মানুহে বেয়া পায়।